हैं, तो इसमें हम लोग करके देखेंगे आज। तो पहला स्टेप ये है कि इग्निशन को ऑन कर लेंगे, ये गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इंजन को स्टार्ट किए है ना, इंजन तो स्टार्ट हो गया। उसके बाद राइट साइड में देखेंगे एक इन्फॉर्मेशन का दे रखा है, उसके बाद ट्रिप को दे रखा है और प्लस माइनस है ना, ब्राइटनेस यहाँ से घटता है और बढ़ता है। ट्रिप जैसे ए और बी को जीरो करके हम कहीं से देख सकते हैं, है ना। तो उसके बाद हम इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, इन्फॉर्मेशन को कुछ सेकंड के लिए पुश करके रखेंगे। जैसे कि आप देखें कि इन्फॉर्मेशन को पुश करके रखे तो ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया है ना। तो जैसे टेम्परेचर, क्लॉक सेटिंग, डोर लॉक, लाइट एंड एंटी थेव पुश किए, उसके बाद शॉक सेंसर को ऑन करेंगे हम। तो ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑफ है, तो हमको करना क्या है कि ऑन करना है ना। तो ऑन पे गए, इन्फॉर्मेशन को एक बार जैसे पुश करेंगे तो वो सक्सेस हो जाएगा, सक्सेसफुल। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, सीधा बैग आ जाएंगे। तो डोर लॉक, टेम्परेचर, सिस्टम, बैग, फिर से एक बार पुश करेंगे होम स्क्रीन। जैसे कि आप देखें कि इस प्रोसेस से हम शॉक सेंसर को गाड़ी में एक्टिव कर लिए है ना।